हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आज हम आपको लेके जा रहे हैं ग्लोबल विलेज। ग्लोबल विलेज में अलग अलग कंट्रीज अपने अपने पवेलियन सेट करती हैं और हम हर पवेलियन में जाकर सैर करते हैं। पर आज के व्लॉग में हम ईरान पवेलियन में जाएंगे और वहाँ सारा टूर लेंगे। तो आई होप यू विल एंजॉय दिस व्लॉग एंड प्लीज़ कीप वॉचिंग। आप देख सकते हैं एंट्री ही कितनी खूबसूरत है ईरान पवेलियन की। तो जैसे ही हम अंदर जाते हैं तो इसका नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है और मुझे अंदर जाके बहुत अच्छा लगा। बहुत ही नीट एंड क्लीन और स्पेशियस। और इनके यहाँ पर क्या होता है कि हर पवेलियन में हर कंट्री अपना अपना प्रोडक्ट शो करती है, अपना कल्चर शो करती है, अपने फूड स्टॉल्स लगाती है। तो आप यहाँ पर देखेंगे बहुत सारी चीज़ें जैसे कि कारपेट्स, इनके कुछ बर्तन और इनके खाने की चीज़ें एंड मैनी मोर थिंग्स। सो प्लीज़ इन्जॉय। यहाँ देख सकते हैं कुछ पेंटिंग्स की शॉप्स हैं, कुछ हनी सेल कर रहे हैं, शहद बेच रहे हैं और एक जगह मुझे हैंडमेड शूज़ की शॉप ही एग्जैक्टली यहाँ पर हैंडमेड शूज़ भी सेल कर रहे हैं। तो सब अपना अपना प्रोडक्ट दिखाते हैं, अपना कल्चर दिखाते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। फूड कोर्ट भी है, अगर आपको कुछ खाना है, आपको उस कंट्री का कुछ स्पेशल खाना है तो आप वो देख सकते हैं, खा सकते हैं। उसे कितना सुंदर बनाया हुआ है, कितनी बारीकी से, बहुत सुंदर पवेलियन था। तो आप देख सकते हैं, इंजॉय करें। What is the price for one? It's 65 million. Handmade, mama. Handmade. Very good. Handmade.
सिर्फ एक कंट्री का नहीं, बहुत कंट्रीज़ के पवेलियन होते हैं, और मैं आगे बहुत कंट्रीज़ के, अलग अलग कंट्रीज़ के पवेलियन के वीडियोस अपलोड करने वाली हूँ। तो अगर आपको सब कंट्रीज़ के पवेलियन इन्जॉय करने हैं तो आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन दबाना होगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको इन्फॉर्मेशन आए। और हमने तो बहुत इन्जॉय किया, मेरे को तो बहुत ही अच्छा लगा, मैं दोबारा जाना चाहती थी और नहीं जा पाई, बट इसको घूमने के लिए शायद पूरा दिन भी कम पड़े, इतना सुंदर, इतना बड़ा और इतना अच्छा टाइम निकलता है यहाँ पर। तो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड एंड एंजॉय एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।